मेक पार्क एक दूसरे के आमने सामने, वेनम वो बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी थे और सारंग वो रहेंगे जिन्होंने उनके डाउन किया, और डैगर के साथ ये एक नासूर है जो सारंग ने वेनम की छाती पे दिया है। अब देखना यह कि जब अगला मीरा मार आएगा तो वहां पर किस प्रकार से पलटवार किया जाएगा। बट गॉड ट्रेन के बाकी के तीन एरिया में जाता है, इंस्टेंट उनको खत्म भी किया जा सकता है। या अल्टो की पोजिशनिंग वहां पर रिवील्ड होती है, और क्या बढ़िया मिनी का इस्तेमाल हमें जोकर के द्वारा देखने को मिला। गॉड ट्रेन पूरी तरीके से बैकफुट पर, फ्यूरी की बात करें उनकी पोजिशनिंग भी पता है, और टीम एक्स में पूरी तरीके से टीम एक्स पार्क का जो पलड़ा है वो भारी। देखिए स्प्रे गॉड को थोड़ा संभलना भी यहाँ पे पड़ेगा, बिकॉज अगर वहां पे स्प्रे आता है इनके ऊपर तो क्या आ रहा है उनको, उस ले को आगे लेके जाना है। बट गॉड्स के फैंटम उनको भी यहाँ पे घर भेजा टीम एक्स पार्क के प्लेयर ने। फिर चार फिनिशर्स उनके पास मौजूद है, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो कितना और प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम को दिला सकते हैं। सबके बीच में स्प्रे गॉड वो व्हीकल लेकर के सीधे सर्कल के अंदर पहुंच जाएंगे, और एक भी वहां पे खिलाड़ी मौजूद नहीं है जो सर्कल के अंदर हो। ऐसे में प्लेसमेंट के और ज्यादा अंक जो उनके पास जा सकते हैं। स्प्रे गॉड वहां पहुंचकर उन्होंने एक फिनिश भी निकाला। अब उनके पास ऑप्शन है नहीं, उनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। दो फर्स्ट एड उनके पास मौजूद। स्प्रे गॉड वो व्हीकल के अंदर गेट इन करते हुए नजर आए, लेकिन उनको स्पॉट किया जा चुका है, और उसके बाद वो चेंजिंग द गेम। ब्लेस एक शानदार मूव उनकी तरफ से, एक प्लेयर को पीछे रखा हील बैटल के लिए, और स्प्रे गॉड वो छोड़ नहीं रहे किसी को, हर गलती को पनिश किया जा रहा है। बट स्प्रे गॉड ही इज ऑन फायर क्वाइट लिटरली, बट नॉट फॉर लॉन्ग इट सीम्स। ब्लेस के पास मौका, स्प्रे गॉड ड्रॉप उन्होंने मारा यहाँ पे, बच्चे वहां पे उस शॉट से, लेकिन पीछे से भी स्प्रे आता है। टीम क्रो चिकन निकालने का मौका इसके पास, टीम क्रो